नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बताएंगे आपको बाइनेंस की उन दो चीज़ों के बारे में जिनको समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो वो मैंने नीचे लिंक डाला है, आप उस लिंक के सहारे बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब बात करता हूँ किन दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। पहली चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा बाई और सेल करने में क्या चीज़ देखनी है आपने उसके बारे में, और दूसरी चीज़ बताऊंगा बाइनेंस की विड्रॉल फ़ी के बारे में। अब ये सवाल कहाँ से आया था, ये सवाल किसी ने मुझसे पूछा था और ये सवाल वाकई में जो पैदा हुआ था वो हुआ था यहाँ से। जब कोइन एक्स एक्सचेंज में हम लोग काम कर रहे थे, जब हम इस पर अपना ट्रेडिंग करते थे, तो उस टाइम पर हमने देखा कि यहाँ पर मायोटा लिखा हुआ है, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर ट्रेडिंग करनी शुरू करी तब पता चला कि मायोटा में यहाँ पर ट्रेडिंग होती नहीं है, केवल यहाँ पर इनके प्राइस मेंशन कर रखे हैं, मियोटा, OMG और GNT, लेकिन इसमें कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग होती नहीं है। तो फिर हमने सर्च किया कि मियोटा को कहाँ से परचेज किया जाए, आयोटा को कहाँ से परचेज किया जाए। तो उस टाइम पे जब हमने आयोटा का चार्ट देखा, देखा कहाँ से होता है ये परचेज, तो वहाँ पर कोई दो चीज़ें लिखी थी, एक तो बिटफिनिक्स और एक बाइनेंस। तो इन दो जगह पे मिला था, जो अभी ये लिखा हुआ आ रहा है OKX करके, ये अभी अभी लिस्ट हुआ है, बाकी इससे पहले केवल दो ही एक्सचेंज थे, बिटफिनिक्स और बाइनेंस। ये रीज़न था कि हमने बाइनेंस पे हमें जाना पड़ा। अब मैंने क्या किया कि बिटफिनिक्स और बाइनेंस दोनों को देखा, दोनों को देखा और मैंने ये देखा कि उनकी विड्रॉल फ़ी क्या है। पहले तो दोनों के बारे में पढ़ा, रिव्यूज़ पढ़े, सब कुछ देखा, वेबसाइट को समझा और बिटफिनिक्स को भी समझा, बाद में मैंने उनका पढ़ा विड्रॉल फ़ी के बारे में। अब यहाँ से विड्रॉल फ़ी की कहानी शुरू होती है। जो किसी बंदे ने कहा था कि भाई तुमने हमें क्या कहते हैं विड्रॉल फ़ी के बारे में नहीं बताया, तो विड्रॉल फ़ी के बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो बाइनेंस का विड्रॉल फ़ी है वो थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जो इसकी विड्रॉल फ़ी है, जैसे बिटकॉइन अगर आप विड्रॉल करते हो तो इसमें आपको 0.0005 की फ़ी पड़ती है। इथीरियम आपको पड़ता है 0.01 और लाइटकॉइन पड़ता है 0.001। जो बेसिकली हम लोग तीन कॉइन पे करते हैं अपना, जब भी विड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं तो इन्हीं में करते हैं। तो यह है इसकी विड्रॉल फ़ी, और जो डिपॉजिट फ़ी है बाइनेंस में वो कुछ नहीं है, यानी कि जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको एक रुपया चार्ज नहीं पड़ेगा। मतलब एक चार्ज तो होता है जहाँ से आप विड्रॉल कर रहे हो, वहाँ तो पड़ेगा चार्ज, लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट का कोई चार्ज नहीं है। तो ये है। अब अगर हम बात करें बिटफिनिक्स की, तो बिटफिनिक्स और बाइनेंस के जो प्राइस हैं, जैसे जो बिटकॉइन का विड्रॉल है बिटफिनिक्स में वो है 0.0005, और अगर बाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी इतना ही है, सेम है दोनों। इथीरियम है 0.01, बिटफिनिक्स में देखो इथीरियम कितने का है, यहाँ पर भी इथीरियम का है 0.01 विड्रॉल फ़ी। अब यहाँ पर बात करते हैं लाइटकॉइन की विड्रॉल फ़ी, तो लाइटकॉइन है यहाँ पर 0.001 का और बिटफिनिक्स में लाइटकॉइन है आपका 0.001 का। यानी कि तीनों के तीनों, ये बिटकॉइन, लाइटकॉइन और इथीरियम जो तीन मेन चीज़ें हैं, वो दोनों बराबर है बिटफिनिक्स में भी और ये आपके बाइनेंस में भी। अब अंतर क्या है कि जब आप बिटफिनिक्स में ट्रांसफ़र करोगे तो इसका ऊपर वाला पहलू यहाँ पर ये देख लो। अब यहाँ पर लिखा है डिपॉजिट, और डिपॉजिट में दो चीज़ें लिखी है, एक लिखा है डिपॉजिट और एक लिखा है स्मॉल डिपॉजिट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्मॉल डिपॉजिट में आपको बिटकॉइन को, बिटकॉइन जब आप इसमें डालेंगे कहीं से, तब आपको देने पड़ेगा 0.0005 BTC। अब ये कितना हुआ, ये इतना ही हुआ जितना विड्रॉल का है उतना ही डिपॉजिट, यानी कि विड्रॉल और डिपॉजिट में दोनों बराबर फीस पड़ रही है। इसका मतलब क्या है जानते हो, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने किसी एक्सचेंज से बिटफिनिक्स में डाला अपना अमाउंट, और अगर वो स्मॉल डिपॉजिट है, अब मैं बताऊंगा स्मॉल डिपॉजिट क्या है इनका, वो पहले इसको समझ लो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब अगर वो स्मॉल डिपॉजिट है तो आपको एक तो वहाँ फीस देनी पड़ेगी जहाँ से आप ट्रांसफर कर रहे हो, और एक यहाँ फीस देनी पड़ेगी इधर जहाँ बिटफिनिक्स में, और वो कितनी देनी पड़ेगी, इतनी। अब तुम समझो कि तुम्हारा कितना गया, तुम्हारा गया 0.001 टोटल। अगर मैं देखूँ तो जो फीस पड़ी तुम्हें वो पड़ी 0.001 विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों की लगा के अगर मैं बताऊँ तो आपको। यह है इसकी डिपॉजिट फी। यानी कि बाइनेंस पे क्या हो रहा है कि बाइनेंस में आपको कोई डिपॉजिट फ़ी नहीं देनी है, केवल विड्रॉल फ़ी देनी है। और विड्रॉल फ़ी के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि ज़्यादा है, बेशक मुझे भी लगता है थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब तुम यहाँ अगर देखो कि मुझे आयोटा परचेज करना था, 40 रुपये का प्राइस चल रहा था, मैंने आयोटा परचेज करना था, तो मैं कहाँ से परचेज करता, बिटफिनिक्स से करता कि बाइनेंस से करता, ये चीज़ समझनी है तुम लोगों ने, बहुत ज़रूरी। अब मैंने किसी से कमेंट नहीं किया, मैंने कहा इस पर वीडियो बना दूंगा कि आपको, अब ये तो होगी पहली बात। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई डिपॉजिट तो फ्री है ना, ये डिपॉजिट फ्री है, अब इसके बारे में समझो ये स्मॉल डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या है बिटफिनिक्स पे। बिटफिनिक्स पे लिखा है कि अ स्मॉल डिपॉजिट फी इज अप्लाइड ऑन डिपॉजिट लेस देन 1000 USD इक्विवेलेंट, यानी कि जितने भी
लोग डिपॉजिट करेंगे अगर वो 60,000 रुपये से, मैं 61 डॉलर का मतलब 60 रुपया लगा रहा हूँ अभी, कम से कम 60,000 रुपये से कम की अगर तुम इस पर डिपॉजिट करते हो, तो आपको इसका जो आपका वो कैलकुलेट होगा वो स्मॉल डिपॉजिट में कैलकुलेट होगा। अब अगर वो स्मॉल डिपॉजिट कैलकुलेट हुआ तो फिर इतनी फीस पड़ गई आपकी। अब मुझे ये बताओ कि 60,000 रुपये से, 60,000 रुपये का से ज़्यादा कौन डालेगा एक्सचेंज पे? जितने भी यूज़र हैं जिनको ये फीस जैसे ज़्यादा लग रही है, मुझे खुद ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैंने कम डाला। मैंने कितने से स्टार्ट किया था इस पर, 2,000 या 3,000 रुपये से अपना बाइनेंस पे सफ़र शुरू किया था, ठीक है? अब 2,000 3,000 रुपये से किया तो मैं 60,000 रुपये से कहाँ से करता? और जितने भी हमारे नॉर्मल इन्वेस्टर हैं वो 60,000 रुपये की थोड़ा डालेंगे इसमें। तो मेरी कहने की बात समझो कि जब रिसर्च करी देखा तब जाके पता चला ये बाइनेंस के बारे में, ठीक है? अब दूसरी चीज़ सुन लो, दूसरी चीज़ ये है कि ये तो मैंने बताई केवल बिटफिनिक्स और इसकी बात, बाइनेंस की बात, इसके अलावा भी जितने इंटरनल एक्सचेंज है ना, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, वहाँ पर को बहुत सारी कमियाँ हैं, एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है ना? और उन सारे एक्सचेंज में से जो सबसे बढ़िया एक्सचेंज लगा, जो लगा कि आज यहाँ पर हम काम कर सकते हैं, यहाँ पर से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पर हमें वाकई में अच्छे ऑल्ट कॉइन मिल सकते हैं, ऑल्ट कॉइन कौन से होते हैं? जितने भी बाइनेंस से अलग, उससे अलग कॉइन है, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन है सारे ऑल्ट कॉइन है। तो ये जितने भी ऑल्ट कॉइन हमें मिलेंगे वो मिल रहे हैं बाइनेंस पे, और जितने भी बाइनेंस की चीज़ें थी वो भी अच्छी थी। स्टार्टिंग में इनके यहाँ फीस भी नहीं थी, जब बाइनेंस ने अपना शुरू किया था तब कोई फीस नहीं लगती थी। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए बाइनेंस के बारे में कहा गया, जितने भी लोगों से मैंने कहा, ये मेरी अपनी राय है कि मैं बाइनेंस के बारे में कह रहा हूँ, बाकी लोगों का अपना परसेप्शन है कि वो क्या करना है, उनको जाना है बाइनेंस पे वो जाइए। मैंने साफ कहा था, एक मैंने पहले वीडियो बनाई है इससे पहले, मैंने ये कहा था आप बाइनेंस पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? क्रिएट करके छोड़ दो, अगर तुमने फीस नहीं देनी है या फिर तुमने करना ही नहीं है उसमें, विड्रॉल नहीं करना, डिपॉजिट नहीं करना, छोड़ दो उसको। हो सकता है वहां पर को तुम्हें किसी दिन कोई कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो, वैसे ही बढ़ते हैं वहां पर वो, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉइन वैसे ही बढ़ जाते हैं, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कोई कॉइन तो तुम्हें वो कॉइन मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तुम उस पर ट्रेडिंग कर लेना, अगर मान लिया तुम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि 60,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करने वाले फिर फीस वगैरह ज़्यादा देखते नहीं, बिकॉज वो जितने भी लोग होते हैं ना जो ज़्यादा उस पर ट्रेडिंग करते हैं, मैं उतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ कि मैं अपनी प्रॉफिट निकालता हूँ। जैसे मैंने आज इसमें 7-8 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है अगर मेरी, बाइनेंस में 10-12 हज़ार रुपये मैंने लगा रखे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना परसेंटेज में देखता हूँ कि मुझे 20% का गेन चाहिए इस कॉइन पे, और मैं उसको खरीद लेता हूँ, या जो मुझे लगता है कि यार ये कॉइन इन फ्यूचर जा सकता है, 1 महीने 2 महीने में इसमें 5-10 गुना की ग्रोथ हो सकती है, मैं उसको खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब समझो क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हाई लेवल के ट्रेडर होते हैं, जो हाई लेवल के ट्रेडर होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, उनको बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए ट्रेडिंग करने का, फिर वो चीज़ें ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन हम लोग को फ़र्क पड़ता है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है? अब इस बात को समझो, क्योंकि उस भाई ने मुझसे जिस तरीके से कहा, लिखा था वो सही लहजे में नहीं लिखा था, भले ही उसकी बात गलत नहीं थी, उनने बहुत सही बात लिखी थी, और उसके नीचे उनने मजाक के लहजे में कुछ चीज़ें बोली थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इस पे बनाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी एक्सचेंज हैं इंटरनेशनल, उसमें से अगर आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे यूज़र हैं, अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पर को फीस भी कम है, जहाँ पर को प्लेटफॉर्म भी बहुत बढ़िया है, और हर चीज़ें वहाँ पर आसानी से हो जा रही हैं, यानी कि बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी हो, तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ मुझे उस एक्सचेंज का नाम लिख के डालिएगा, और मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, ताकि हमारे जितने भी यूज़र हैं, जितने भी हमें लोग देखते हैं, उनको उनका फ़ायदा हो, उनको एक अच्छी जगह पे जाने का मौका मिले। मुझे लगा कि बाइनेंस बहुत अच्छी जगह है, तो मैंने बाइनेंस के बारे में बताया। अब दूसरी चीज़ सुन लो क्या है, दूसरी चीज़ यह है कि जो बाइनेंस कॉइन है BNB, बहुत सारे लोग आज BNB को परचेज करना चाह रहे हैं, बाइनेंस कॉइन को। अब तुम ये बताओ कि बाइनेंस कॉइन को कहाँ से परचेज करोगे? जब बाइनेंस कॉइन परचेज करना होगा तो बाइनेंस पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइनेंस के अंदर ही ये कॉइन चल रहा है अभी। तो जब बाइनेंस कॉइन लेना है तो फिर यहाँ आना है। आयोटा लेना था तुमने, बहुत सारे लोगों ने तो यही सवाल पूछा था कि आयोटा कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया है आयोटा कहाँ से परचेज करेंगे, और आयोटा की जितनी वीडियोस बनी है, मैंने कुछ वीडियो देखी इंडिया के अंदर, 12-15 हज़ार लोगों से ऊपर लोगों ने वीडियोस देखी हैं आयोटा के रिगार्डिंग, और यहाँ तक कि गूगल कीवर्ड पे भी लिस्ट हो गया आयोटा। तो अब तुम ये बताओ कि जब ऐसे चीज़ें हो रही है, लोगों को आयोटा परचेज करना है, कोई ना कोई ऑप्शन तो चाहिए। अब बिटफिनिक्स पे जाते तो डिपॉजिट फी भी देते, अब बाइनेंस पे आए हो तो भी जाके इस तरह की बातें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट मत करो, अगर आपने, मैं आपको बताते रहूँगा वो सारी बातें जो आपके भले की होंगी। भले की बात क्या है, अगर आपने इंडियन एक्सचेंज में करना है तो फिलहाल कोइनेक्स अच्छा एक्सचेंज है इंडिया के अंदर,
ठीक है। इसके अलावा तो मुझे कोई एक्सचेंज दिख नहीं रहे इसके टक्कर के या फिर इसके बराबर जो अच्छे एक्सचेंज हो। जब भी लगेंगे तो मैं उन एक्सचेंज को भी लिस्ट करके अपने वीडियोस बना के डाल दूंगा उन एक्सचेंज के बारे में। तो कुल मिला के ये मेरी कहने की बात है। और दूसरी बात ये है ना, ये तो है पहली चीज़ विड्रॉल फी के बारे में। दूसरी चीज़ है आपकी इसके इसके बारे में जो क्या कहते हैं, यहाँ पर आप बाई और सेल करते हो। जब बाई और सेल आप करोगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर को जो नीचे टोटल अमाउंट आ रहा है, अगर आपने यहाँ पर इथीरियम में काम कर रहे हो, आप इथीरियम के पेयर पे खरीद रहे या बेच रहे हो, तो उस टाइम पे आपने देखना है कि ये कम से कम 0.01 होना चाहिए। अगर ये 0.01 नहीं है तो यहाँ पर को ये सेकेंड ना, तो यहाँ पर कोई एरर मैसेज आ जाती है ये इस तरीके से, टोटल मस्ट बी एटलीस्ट 0.01। यानी कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आप इथेरियम को परचेज करते, जब आप किसी कॉइन को परचेज करोगे तो कम से कम जो टोटल अमाउंट निकल के आए, जितना इथेरियम आप उसके लिए दे रहे होगे खरीदने के लिए, वो कम से कम 0.01 होना चाहिए, 0.01, ठीक है। वरना ये एरर मैसेज आती है यहाँ पर को जो अभी आ रही है। अब ये बात है बाई करने के लिए। अब जितने भी लोगों ने बाई किया होगा, बाई तो किया होगा ना 0.01 से, सेम आता है बेचने में। अगर मैं किसी कॉइन को बेचूंगा तो 0.01 उसका होना चाहिए टोटल। अगर नहीं होगा तो वो कॉइन तुम्हारा नहीं बिक पाएगा, तो वो क्या होगा, तुम्हारे डिपॉजिट विड्रॉल में दिख रहा होगा। अब बहुत सारे लोग घबराएंगे कि उसको निकालेंगे कैसे। उसको निकालने का एक तरीका ये है कि उतने ही थोड़ा अगर वो नहीं बन पा रहा है, मान लेते हैं कोई भी तुमने खरीदा और आधे में बेच दिया, यानी कि मेरे पास अगर OMG पड़े होते 5 और उनमें से मैंने बेच दिए थे 4 या 4.5, तो मेरे पास 0.50 बचा। अब वो जो बचा टोटल उसका अमाउंट हो नहीं पा रहा है 0.01, तो मैं क्या करूंगा कि उतना ही थोड़ा बहुत OMG और परचेज करके उसको यहाँ जब वो हो जाएगा 0.01 के बराबर, मैं यहाँ पर बेचने में लगा दूंगा। या फिर उसके प्राइस ज़्यादा कर दो अमाउंट, अगर कम है तो उसका अमाउंट ज़्यादा डाल दो यहाँ पर को। अभी क्या ट्रेड प्राइस चल रहा है, अभी चल रहा है 0.019333, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ 26 इतना डाल दूँ या फिर 30 कर दूं इसको, तब यहाँ पर 0.01 हो जाएगा। उस टाइम पे सेल में लगा दो, जितने कॉइन बचे हैं उनके ज़्यादा प्राइस पे सेल पे लगा दो अगर ये करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है, जितने भी लोगों जिस जिस बंदे ने जिस भाई ने हमारे पूछा, उसका सॉल्यूशन मैंने ये बताया आपको कि जब भी ये होगा तो ये होगा। तो ये चीज़ें देखनी है तुमने, समझनी है। अभी क्या है ना कि मैंने सारी चीज़ें बताई है आपको, जितनी मोस्टली मैंने हर चीज़ बताई, और बाकी जितना बताया वो तो बताया है, अपनी तरफ से भी देखो ना उस चीज़ को। हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हमेशा खुद से उसमें रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला, और इतना कौन मानता है यार किसी को। अगर ऐसे ऐसे कौन कहता है कि एकदम से जाओ और जाके वो ट्रेडिंग शुरू कर दो। मैं तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ उसके अलावा कि ये करना है, वो करना है, इस तरीके से करना है। लेकिन तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जब भी कहीं भी जाते हो, किसी भी एक्सचेंज पे जाओ, तो सही तरीके से उसका एक बार देख लो, हर चीज़ देख लो उसके बारे में, और उसके बाद जाके उस पर एक्शन लो। तो जितने भी लोगों को लगता है कि 0.005, 0.01, 0.001 ये ज़्यादा फीस है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप केवल जाके बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करो और कुछ मत करो। क्योंकि इसलिए करो क्योंकि कल के दिन हो सकता है कि उसमें भी बहुत सारे रूल्स लग सकते हैं। जो एक्सचेंज है उनमें बहुत सारा अभी मॉडिफिकेशन होना बाकी है। अभी तो यह है कि इस जनरेशन को स्टार्ट हो रहा है, जो क्रिप्टो मार्केट की जो बूम चली है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस वजह से ये लोग कर नहीं रहे हैं। और दूसरा, ये एक्सचेंज अभी नया है, 4-5 महीने हुए हैं बाइनेंस को, इस वजह से ये कर रहा है बहुत चीज़ें, मतलब अभी फैसिलिटी दे रहा है। आने वाले समय में बहुत चीज़ें होने वाली हैं जो कि जिससे नए यूजर्स को दिक्कत आएगी। कोइनएक्स पे दिक्कत आने लग गई, 7 दिन तक बेचारे बंदे इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, KYC कंप्लीट नहीं हो रही है। उस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी हो सकती है बाइनेंस में कल के दिन। तो आज जिनका अकाउंट क्रिएट हुआ है कम से कम वो प्रॉब्लम तो फेस नहीं करेंगे वो सारे लोग। तो ये चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ, कॉइन परचेज मत करो, नहीं करना है तो मत करो परचेज, क्रिएट कर लो ताकि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी कॉइन का तो वो आपको मिल जाए फ्री में। और जब वो फ्री में मिलेगा आप लोग को, तो फिर उससे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और जिन लोगों ने परचेज करना है, जिन लोगों ने मन बना के आए हैं, जिनको करना ही करना है कुछ ना कुछ, तो वो लोग तो करेंगे ही। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में। इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन है, इनके प्राइस जो होते हैं ना, विड्रॉल फी, ये कभी सेम नहीं होती। इससे पहले जब कभी पहले अगर स्टार्टिंग में जुड़ते तो उस टाइम पे नहीं थी फी, फिर धीरे धीरे बढ़ी, और ये बढ़ भी सकती है। अगर बिटकॉइन का प्राइस अभी 14 लाख रुपया है, अगर मान लिया 50 लाख रुपया हो जाए, तो ये 0.005 थोड़ा रहेगा, ये तो 0.001 हो जाएगा। और अगर बाइनेंस की पॉपुलैरिटी बढ़ती है आने वाले समय पे, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो विड्रॉल फी को चेंज कर सकते हैं। तो ये कभी भी प्राइस फिक्स नहीं होता। जितना मैं भी अपडेटेड लिखा है ना, इसका मतलब कि प्राइस अपडेट हुआ है, ये जो विड्रॉल फी है ये अपडेट हुई है। कोइनएक्स पे विड्रॉल फी अपडेट नहीं हुई है क्या? यहाँ पर देखो,
0.001 विड्रॉल फी है, थी पहले इथेरियम की, अभी जाके 0.003 हो गई है, और धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगा वैसे वैसे और बढ़ा सकते हैं। तो इस पे कोई कुछ हम कह नहीं सकते किसी चीज़ के बारे में। इसका अल्टरनेट ऑप्शन यही है कि अगर उसके बराबर कोई एक्सचेंज मिल जाए, उससे बढ़िया एक्सचेंज मिल जाए, तो वहाँ जाके ट्रेडिंग शुरू करनी है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जितने भी लोगों को लगता है कि इंटरनेशनल कोई एक्सचेंज ऐसा है जहाँ पर को आपको अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन मिल जाएंगे, जितने ऑल्ट कॉइन बाइनेंस के अंदर है, ये सारे ऑल्ट, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये बाइनेंस के अंदर हैं। अगर ऐसे ही तुम्हें अच्छे अच्छे कॉइन कहीं दूसरे जगह पे मिलते हैं तो उसको कमेंट पे लिख दिया करो, बता दो, ताकि मैं उसके बारे में अपने यूजर्स को बता दूँ। तो ये मेरे ऊपर भी एक फेवर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बड़े एटीट्यूड के साथ बोल रहा हूँ कि ये करो, एक तो मेरा बोलना ही ऐसा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि अगर आपको पता चलता है तो बताओ, ताकि दूसरों का भी भला हो उसके साथ। तो ये मैंने चीज़ बताई आपको। और दूसरा, इसी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं भूल गया था बतानी, वो ये है कि जब भी आप इससे विड्रॉल करोगे ना, तो विड्रॉल ऊपर वालों से मत करो, बिटकॉइन और इथेरियम पे विड्रॉल मत करो। जब भी विड्रॉल करनी होगी तो इस पे करो, लाइटकॉइन से विड्रॉल कर लो। अगर लाइटकॉइन से विड्रॉल करोगे तो आपको केवल 19 रुपये देने पड़ेंगे, केवल 19 रुपये, जो कि बहुत कम है। अगर आप बात करोगे ना तो बहुत कम है जो लाइटकॉइन की इसकी फीस। तो इस पे कर लो विड्रॉल, जब भी करना होगा एक सॉफ्टवेयर वाले डाउनलोड कर लो और अपने लाइटकॉइन को यहाँ से निकाल के वहाँ डाल देना अगर आपको ऐसा लगता है। और जब भी, जैसे ये कोइनेक्स है एक्सचेंज, यहाँ ला के भेज देना, मतलब यहाँ से डायरेक्टली विड्रॉल, या तो कोइनेक्स पे कर लो और कोइनेक्स पे भेज देना। कोइनेक्स पे कोई कम प्राइस थोड़ना है लाइटकॉइन का, 23,212 रुपये का है। अब इतना तो होगा ही, मान लिया 2-4 लाख रुपये भी है तो उन लोग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उन लोग को लगता है फीस ज़्यादा है तो यहाँ डाल के डाल देना, 4 लाख रुपये का लाइटकॉइन वहाँ से यहाँ डाल दो, यहाँ पर भी तो मिल ही जाएंगे तुम्हें। और आने वाले समय में ये तो केवल कोइनेक्स है, इसके जैसे तुम्हें 10 ही एक्सचेंज मिलने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इस 2018 के बीच के टाइम पे, यानी कि जुलाई के टाइम पे, 2018 जुलाई के आसपास देखना, तुम्हें 10 ही एक्सचेंज मिल जाएंगे जो तुम्हें बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, लाइटकॉइन और उसके अलावा दूसरे कॉइन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो वो जब खुलेंगे, वहाँ बना लेना अकाउंट, वहाँ KYC कर लेना और वहाँ पर डाल देना। तो ये चीज़ है। अब जिन लोगों ने करना ही करना है वो जाओ, अगर किसी ने बाइनेंस कॉइन परचेज करना है तो वो जाके खरीदेगा, तो कहाँ से खरीदेगा, बाइनेंस ही खरीदेगा, तो उन्हें करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं इतनी सी चीज़ बता रहा था आप लोगों को कि ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये इसका मैंने आपको बाई और सेल का बताया कि 0.01 जो है वो होना चाहिए यहाँ पर को। इसलिए हमेशा जब भी बाई करते हो और सेल करते हो तो इतने अमाउंट में करो जितना 0.01 बन जाए, वो देखना हमेशा। तो इस तरीके से काम करना है बाइनेंस पे, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी अभी भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा जब तक मुझे कोई दूसरा एक्सचेंज अच्छा नहीं मिलेगा, कि बाइनेंस एक्सचेंज बहुत बढ़िया एक्सचेंज है। मैंने बहुत सारे एक्सचेंज देखे हैं, इतने बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता। कई कई सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जिनमें बहुत गंदा रिव्यू आ रहा है, कि मतलब बड़े बड़े एक्सचेंज की बात आ रहा हूँ मैं, बिट्रैक्स की। तो बिट्रैक्स के बारे में कह रहे हैं लोग स्कैम है, पूरा का पूरा बिट्रैक्स, और वहाँ पर को है भी ज़्यादा चीज़ें, ठीक है ना। और पोलोनियक्स करके एक एक्सचेंज है, वो भी, उसके बारे में भी लोग बहुत सारे बोलते हैं गंदी बातें, स्कैम है, ये है वो है। और यूज़र इंटरफेस उठा के देख लो उनका, समझ में नहीं आएगी चीज़ें कहाँ से क्या करना है करके। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल एक्सचेंज में ज़्यादा फीस होती ही होती है, क्योंकि वो जितने भी एक्सचेंज होते हैं इंटरनेशनल, वहाँ पर, हमारे यहाँ पर 1 रुपया है ना, हम लोग इतने कोई डेवलप्ड कंट्री से थोड़ना है। हमारे यहाँ पर थोड़ी गरीबी है यार, मान के देखो। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो हम गरीबी रेखा में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा देश इतना कोई बड़ा देश नहीं है जहाँ पर को, हमारे यहाँ पर 1 डॉलर की कीमत 60-65 रुपया है, 60 या 65 रुपया, तुम समझ सकते हो बात को। तो जितने हमारे यहाँ पर 1 रुपया है, बाहर तो चीज़ें ज़्यादा है ना, बाहर तो लोग ज़्यादा दाम देते हैं। पिज्ज़ा खरीदने जाओगे या खाना खरीदने जाओगे, उसी में 400-500 रुपये का बिल आ जाता है। तो उन हिसाब से अगर देखो तो इंटरनेशनल एक्सचेंज हमेशा सब लोगों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। जितनी बढ़िया फैसिलिटी होती है, उतनी चीज़ें कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें अपनी कर रहे होते हैं। और इसको छोड़ भी दूँ ना मैं, अगर फीस की बात करूँ, फीस को देख के भी अगर मैं कहूँ तो भी ये बहुत बढ़िया एक्सचेंज है। चाहे विड्रॉल फी देख लो तुम, इसकी ज़्यादा हो कम हो जो भी हो, लेकिन तब भी ये बहुत बढ़िया एक्सचेंज है। जितनी इसमें फैसिलिटीज जो जो हमें मिलती हैं, वो औरों से ज़्यादा मिलती हैं, औरों से अच्छी मिलती हैं। और बाइनेंस के आपको अच्छे रिव्यू मिलेंगे, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं इसके अंदर, ये मैं कहना चाहता था आपको। तो ये चीज़ें क्लियर करने के लिए मैंने बताई थी आप लोगों को, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा नहीं लगा वो डिसलाइक कर देना, और जो मैंने बातें कही थी उसके बारे में कमेंट कर देना, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको बतानी भी। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो उसके बारे में जो यूज़र को जानता है उसके कमेंट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम फोकस्ड रह के वीडियो बना रहे हैं। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो मेरी इर्द गिर्द रहती है कोइनेक्स और बाइनेंस से,
ठीक है ना। तो जब भी कहीं नई चीज़ का पता चलेगा, कोई अच्छी चीज़ चल रही है मार्केट में, तो उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा, ताकि जितने कम से कम सब्सक्राइब करके जो हम पे भरोसा करते हैं उनका तो नुकसान ना हो, जितने भरोसा करते हैं। जितने नहीं करते हैं, कई सारे तो आके उनको तो नॉलेज लेनी है, इसलिए सर्च किया आपने, गूगल पे सर्च किया होगा ना कि बाइनेंस के बारे में, या फिर हाउ टू मेक अकाउंट इन बाइनेंस, तो मेरा वीडियो दिख गया आपको बाइनेंस का। अभी कोई मुझसे कहेगा कि यार, मैं किसी से, मैं तो कहूँगा यार बाइनेंस, मैं बाइनेंस को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, हर चीज़ अच्छी है। मैंने एक एजुकेशनल वीडियो बनाया बाइनेंस के ऊपर कि बाइनेंस में ऐसे अकाउंट क्रिएट करो, ये करो। किसी कनपट्टी के ऊपर बंदूक तो नहीं रखी कि जा बाइनेंस पे जा, नहीं जाएगा तो कर देंगे कांड, ऐसा वैसा तो नहीं बोला ना किसी से। जो चीज़ है लोग सर्च करके ही आ रहे हैं, उनको ढूंढना वैसे भी है, उनको मिल गया ऐसे भी, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो मेरे जेन्यून बंदे हैं, जिन लोग के कमेंट आते हैं, जो लोग बिल्कुल, मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ और हर किसी के कमेंट पढ़ता हूँ, तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उन लोगों का कभी ये ना हो कि उनको नुकसान हो या कुछ हो, तो कम से कम किसी को इतना ही अगर इन्फॉर्मेशन है और उसको पता है किसी एक्सचेंज के बारे में बहुत बढ़िया से, तो वो उसके बारे में बताए, मैं जाके उस पर पैसा डाल के हर चीज़ करके देख लूँगा। अच्छा लगेगा तो अच्छा बताऊँगा, नहीं लगेगा तो बुरा बताऊँगा। ये है साफ सीधी बात। तो ये बात मैंने आपको बताई इस वीडियो में। जिस जिसको अच्छा लगा लाइक करना, नहीं लगा डिसलाइक करना, कमेंट करना, और जिसको ऐसे अपडेट्स चाहिए वो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।